नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 7 अक्टूबर गुरुवार यानी कि आज दोपहर में जारी कर दिया। इस बार 422 उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित हुए। रोहतास के गौरव सिंह ने इस परीक्षा में टॉप किया है। गौरव सिंह ने इसी साल 64वीं बीपीएससी के रिजल्ट में भी जगह बनाई थी और वे समाज कल्याण विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पाने में सफल रहे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अब 65वीं का फाइनल रिजल्ट भी जारी होने के बाद उन्होंने सीधा कब्जा रैंक 1 पर जमाया है और गौरव सिंह अब एसडीएम बन जाएंगे। तो हम जानते हैं गौरव सिंह के निजी जीवन के बारे में। बात अगर गौरव के निजी जीवन की करें तो गौरव सासाराम के चमराहा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता मनोज कुमार एयरफोर्स में थे, जिनका निधन लंबे वक्त पहले हो गया था। गौरव की माँ मध्य विद्यालय में शिक्षिका है। परिवार में एक छोटा भाई भी है। गौरव शुरू से ही अपने नानी घर में रहा करते थे और वहाँ पर उनके परिवार और दोस्तों ने ही उनकी पढ़ाई में भी मदद की थी। गौरव ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बनारस से की, उसके बाद KIIT भुवनेश्वर से बीटेक पूरा किया। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 2015 में पूरी हुई, जिसके बाद 3 सालों तक जॉब भी किया। हालांकि सिविल सेवा की तरफ रुझान होने के कारण उन्होंने जॉब छोड़कर साल 2018 से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। इस दौरान साल 2019 में उन्होंने काफी मेहनत कर यूपीएससी की प्री एग्जाम भी दी, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान उन्होंने पहली बार बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी दी, जिसमें भी वे असफल रहे। लेकिन दूसरी बार 64वीं बीपीएससी में गौरव का रिजल्ट इसी साल आया और वे समाज कल्याण विभाग में ज्वाइनिंग करने वाले थे। हालांकि गौरव ने 65वीं संयुक्त परीक्षा को भी दिया था, जिसका रिजल्ट 7 अक्टूबर 2021 को ही घोषित हो गया और उनकी मेहनत व किस्मत ने उसे फर्स्ट रैंक होल्डर बना दिया और इस तरह से उन्होंने बीपीएससी एग्जाम को टॉप कर गया। बताते चले कि गौरव ने जनरल कैटेगरी से एग्जाम क्वालिफाई किया है और उन्हें एसडीएम की रैंक मिली है, यानी कि उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा में नौकरी होगी। रिजल्ट निकलने के वक्त गौरव पुणे में ही थे, वहीं वे यूपीएससी की तैयारी में भी जुटे हैं। बात अगर हम 65वीं परीक्षा की करें तो इसमें बिहार सरकार के 14 विभागों में 423 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें से 422 अभ्यर्थी सफल रहे। सेकंड टॉपर चंदा भारती बनी है, जो कि बांका की रहने वाली है और फिलहाल गया बुड़को में असिस्टेंट इंजीनियर है। चंदा लड़कियों में टॉपर बनी है। बता दें कि फाइनल रिजल्ट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर तय होता है। इंटरव्यू सितंबर महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी हो गई थी, जिसमें 1142 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, पर इसमें से 1114 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। ऐसे में बहुत लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि अगर दो लोगों के मार्क्स सेम टू सेम है तो उन्हें किस आधार पर अधिक या फिर नीचे की रैंक मिलती है। दरअसल इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। परीक्षा की अंतिम मेरिट लिस्ट कंपैरिजन प्रोसेस से शुरू होती है। जैसे अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवार के कुल मार्क्स समान होते हैं तो इस स्थिति में जिस अभ्यर्थी को मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा में अधिक नंबर आए होंगे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाता है। अगर मुख्य परीक्षा के अंक समान हो तो ऑप्शनल में जिस अभ्यर्थी को अधिक मार्क्स आया होगा उसे मेधा सूची में ऊपर जगह दे दी जाएगी। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंक समान होंगे तो इस अवस्था में डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी और अगर जन्म तिथि भी समान होगी तो ऐसी स्थिति में जिस उम्मीदवार का नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आता हो उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाता है और इसी तरह परीक्षा की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। आपको बताते चले कि जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए इस बार कट ऑफ 532 नंबर है। जनरल वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 515 रखा गया है। EWS के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 530 नंबर कट ऑफ है। EWS महिला के लिए 504 नंबर कट ऑफ है। SC पुरुष वर्ग के लिए 507 और ST पुरुष के लिए 495 मार्क्स कट ऑफ है। बात अगर टॉप 10 अभ्यर्थी की करें तो रैंक 1 गौरव सिंह रोहतास से है, रैंक 2 चंदा भारती बांका से, रैंक 3 वरुण कुमार नालंदा से, रैंक 4 सुमित कुमार मधुबनी से हैं, रैंक 5 अविनाश कुमार सिंह समस्तीपुर से हैं, तो वहीं रैंक 6 से लेकर 10 तक क्रमशः आदित्य श्रीवास्तव झारखंड से, एस प्रतीक मोतिहारी से, आदित्य कुमार भोजपुर से, अनामिका गोपालगंज से और अंकित कुमार भागलपुर से है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।